हेलो गाइस, तुम लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। एंड आज वाली वीडियो में हम लोग हैं अपने उस वाले वर्ल्ड के अंदर, मुझसे बताओ उससे बढ़िया ना मैं दिखाई दे, जहाँ पे मैंने बहुत 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 सारे टिकटॉक हैक्स बना रखे हैं। एंड टुडे ऑब्वियसली एकदम प्यारे प्यारे एकदम खतरनाक से कुछ न्यू टिकटॉक हैक्स हम लोग ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले टिकटॉक हैक मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली ये टिकटॉक हैक नहीं है, ये एक यूट्यूब हैक है, बट स्टिल लेट इट बी। हमारा जो सब्सक्राइब बटन है उसको जाके क्लिक करो, अगर वो रेड है उस पर क्लिक करोगे तो ग्रे हो जाएगा। मैंने कितना अच्छा टिकटॉक हैक बताया, तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। और चलो आओ शुरू करते हैं हम लोग। हो यहाँ पे देखो एक कौन सा बोर्ड लगा हुआ है, पे लिखा है लाइक। क्या तुम लोगों ने लाइक किया है वीडियो को? देखो नहीं किया तो ये पता नहीं कहाँ से आया ये बोर्ड, ये तो मैं लाइक करने कह रहा है, कर दो और एक्टिंग कर लू थोड़ा। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, चलो गाइस लेट्स बी सीरियस और हम लोग अपना पहला टिकटॉक हैक बनाते हैं। एक्चुअली सारे टिकटॉक हैक मस्त है, तो मैं सोच रहा हूँ पहला कौन सा बनाऊं। ये वाला टिकटॉक हैक ना बहुत बेस्ट होने वाला है। इसके लिए आपको चाहिए एक बेड और एक सिंपल वाला रेल लेना है आपको, और तुम्हें एक स्लैब चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स इट, उसके बाद तुम लोग इसको कहीं भी बना सकते हो आराम से। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। देखो कभी अगर तुम लोगों ने अच्छे से नोटिस करा हो तो ये जो व्हाइट कलर है ना, ये तुम्हारे बेड का वो चादर जो होता है ना वो है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बना हुआ है ना, वो तकिया है तुम्हारे बेड पे। बट ये वाला जो है ये ब्लैंकेट है, ये कंबल है, लेकिन हम लोग जब भी इसके ऊपर सोते हैं, एनीवे जब भी हम लोग सोते हैं तो हम लोग इसके ऊपर सोते हैं राइट। बट यहाँ पे जो कंबल है उसको हम लोग कभी ओढ़ते नहीं है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू अ टिकटॉक हैक जिसमें तुम लोग कंबल को ओढ़ सकते हो ऊपर से। रात भी हो रही है तो मजा आएगा, मैं तुम्हें यूज करके भी दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे नाइट विजन का पोशन भी ले लिया ताकि मैं अच्छे से देख सकूं। देखो यहाँ पे ऐसे हमें एक कोने में आना है, यहाँ पे एक तोड़ देना है इस तरीके से, ये भी तोड़ो। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रेल अंदर की ओर कनेक्ट कर दो और इधर इसको ऐसे तोड़ दो। और यहाँ पे अब तुम अपना ये प्लेस कर दो बेड, और यहाँ पे ना ऐसे आप लोगों को लगा देना है, इसको क्या कहते हैं, स्लैब कहते हैं। और ये सब एक्चुअली तोड़ना जरूरी नहीं था, बट और हाँ मैंने काट लिया ही नहीं ना, आपको माइंड काट भी चाहिए। और आपको ये यहाँ पे रख देना है। What you gonna do is उसको push करो नीचे की ओर, अब वो वहाँ पे चला गया। अब what we gotta do is, now what we gotta do is, बस यहाँ पे हम लोगों को आना है साइड में और ऐसे क्लिक करना है। I am just sleeping inside of the bed, कितना मस्त लग रहा है ना यार ये। एक चीज और यार, यहाँ पे इसको और ढकने के लिए मैं एक और यहाँ पे भी लगा दूँ, उसके बाद मैं लेट सकता हूँ। यस। देखो इस तरीके से जो भी आपको सूट करे वो वाला वो लगा दो। स्लैब मैंने तो ये पता नहीं कोई नया सा था वो मैंने लगा दिया। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है एंड आप लोग बेड के अंदर हो। एंड नाउ लुक एट दिस। हेलो गाइस, मैं अपने कंबल के अंदर माइनक्राफ्ट में सो। ये देखो ऐसे कितना रियलिस्टिक लग रहा है, तकिए पे तुम्हारा सर है और तुम्हारा ब्लैंकेट के अंदर पूरा बॉडी, कितना मस्त है ना। तो आई विल रेट दिस हैक 10 out of 10 ऑब्वियसली। इन सभी हैक में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा हैक पसंद आया वो कमेंट में बताना। ओके तो सेकंड वन में आप लोगों को चाहिए क्या चाहिए था, हाँ टर्टल एग। ओके आपको एक भी मिल जाना दैट इज मोर देन इनफ। ओके तो उसके बाद आप लोगों को चाहिए यहाँ से ट्रैप डोर, आप कोई भी ट्रैप डोर ले सकते हो। एंड जस्ट टेक अ वॉटर एंड स्लैब एंड लैडर। एक्चुअली ना ये बहुत इजिएस्ट वन होने वाला है, सबसे इजिएस्ट वन अगर कोई होने वाला है ना तो ये भी होने वाला है, लेकिन देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा ये। ओके लैडर, ओके और लैडर और ये इसका ज्यादा मेन काम नहीं है। तो गाइस देखो क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल पे आके ना यहाँ के घास वास सारे पानी डाल के हटाने वाला हूँ ताकि ये लुक खराब ना करे। यार समझ ही नहीं आता कहाँ ब्लॉक डालना है कहाँ नहीं। अरे मैं सर्वाइवल में, अब ये लोग मेरे को मारेंगे यार भाई, अरे मारने लग गए। तो गाइस अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट स्टार्ट करते हो ना, ये उसके लिए सबसे बेस्ट हैक होने वाला है, क्योंकि इतना इजी ये चीज कहीं नहीं मिलता, बट इस वाले हैक में हम ये इजीली मिल रहा है। करना गया है ना कि हम लोगों को ना कम से कम इतना ऐसे एक रो बना लो, होल कर लो जस्ट लाइक दिस, और मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया आई थिंक, बट इट्स फाइन। सो इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। और उसके बाद ना तुम्हें यहाँ पे 1 2 3 4 आई थिंक इतना का ना ब्लॉक तोड़ के ना, ये सारा जितना भी हम लोगों ने तोड़ा ये हटा दो। ओके आई एम जस्ट डन, थोड़ा सा और बचा है, मैं इसको जल्दी जल्दी तोड़ दूं। ओके जब तुमने ये चीज कर लिया, अब आप लोगों को आना है कोई भी ब्लॉक लो और ऐसे ऊपर कर दो इसको यहाँ पे ऐसे। अब इसके ऊपर ना आपको टर्टल एग रखनी है, आपको जितना रखना है रख दो, 1 2 3 मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। पर अब आपको इसको ट्रैप डोर से ऐसे कवर कर देना है, ठीक है। अब एक्चुअली ये सबसे इजिएस्ट एक्सपी फार्म होने वाला है, जो कि एकदम स्टार्टिंग में बेसिक पे आप बना सकते हो। अब देखो क्या करो, एक साइड ना थोड़ा अंदर तक आप लोग अपने रहने के लिए बेस बना, मतलब जिधर से आप रह के उन लोगों को मार सको। और इधर आके हम लोगों को लैडर लगाना है जिधर से हम लोग ऊपर जा सके। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट ऐसे करके इसको लगा दो एंड ऐसे करके इसको लगा दो ताकि इसके आर पार ज़ॉम्बीज तुम्हें मार ना पाए। और आफ्टर दैट इज आपको इधर बाहर आ जाना है और इस कोने से ऐसे अरे अरे ऊपर डाल दिया मैंने थोड़ा, वेट अ मिनट, ऐसे ऐसे पूरा वाटर फिलअप कर दो ताकि जितने भी मॉब्स यहाँ पे आए वो उस साइड चले जाए। और अब आने वाला है बेस्ट पार्ट, नाउ लेट मी गेट अ स्वॉर्ड। और ज़ॉम्बी तो तुरंत आएंगे नहीं, तो ज़ॉम्बी स्पॉन एक ले लेता हूँ मैं अभी के लिए। नाउ सेट द टाइम टू नाइट और मिडनाइट। अब यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, मैं पोशन ले लेता हूँ ताकि मेरे को दिखे। ओके ये देखो ये जो ज़ॉम्बी था यहाँ पे वो यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ गया। अगर देखो मैं यहाँ पे थोड़ी दूर में यहाँ पे ज़ॉम्बी डाला
तो देखना थोड़ी देर में ये क्या करेगा। ये उसके पास अट्रैक्ट हो गया बट ये नीचे नहीं गया राइट। तो आप देखो यहाँ पे ना ट्रैप डोर हर एक कोने से आपको इस तरीके से लगा देना है। ये देखो जब अब तो आप उसको ऐसे लगा दोगे After that, they will start falling, okay? Okay, अब ये चीज देखो यहाँ पे मैंने इतने दूरी पे इसको स्पॉन किया आर्मर के साथ आया है okay? और ये देखो अब वो उस टर्टल की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। ये देखो यहाँ पे अट्रैक्ट होना, अरे तू मेरे को क्यों देख रहा है? हाँ ओके वो देखो उधर टर्टल को देख के उसके साइड गया एंड सडनली ही विल फॉल। फिर जा मैंने जो, अरे यार इन दोनों के मतलब ये जो ब्लॉक्स है ना कुछ ज्यादा डिफरेंस दे दिया जिसकी वजह से ये गिर नहीं रहे। पीछे जा तू, तो हमें ना जस्ट ये ब्लॉक का जो दूरी है ना वो एक बार ऐसे कवर करके ना थोड़ा पास करना होगा। ओके नाउ दैट्स इट। और अब आप लोगों को यहाँ पे लगा देना इस तरीके से। अरे लग जा, हाँ ओए ओए ये तो कूद के आ गया था। ओके सो दैट्स इट, अब देखते जाओ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने ज़ॉम्बी यहाँ पे स्पॉन करा, ये यहाँ से अट्रैक्ट होके इसके पास जाएगा And dang, he have fallen apart. और अब देखो सिर्फ यही नहीं है इसका, इसका मेन फायदा ये है ना अगर मैं इतने दूर में zombie डाला ये यहाँ से भी देखो उस साइड के लिए अट्रैक्ट होने लगेगा और ऐसे आसपास में रात में जितने ज्यादा zombie आएंगे वो सब वहां जाके गिरते जाएंगे। वो देखो वो गया गया एंड बूम वो नीचे गिर गया। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे zombies स्पॉन कर देता हूँ जो कि रात में होंगे और ये देखो सबके सब अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड वो जाके गिर चुके हैं नीचे। जाओ जाओ गिरो। पर एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअली zombie का सीन क्या है। अगर ये यहाँ पे रख दो और zombie को यहाँ स्पॉन कर दो तो देखो अभी क्या होगा। यहाँ पे देखो He just eats it, वो खा जाता है भाई इसको। And what you gonna do is उसके बाद तुम इधर से आ, यहाँ पे स्पाइडर क्यों, हेलो मर जा, आ जाओ। देखो एक्सपी फार्म तुम्हारा एकदम बेस्ट सा, सबसे इजी सा एक्सपी फार्म बन चुका है एंड आराम से आवे तुम लोग खड़े होके सबको मारो एंड यू गॉट दैट। दिस वन इज सेकंड और ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आखिर मेरे हैक्स हैं यार, बेटर तो होने ही है ना। इसको भी आई विल रेट 10 out of 10। ओके सो लेट्स गेट टू द थर्ड वन। तो यहाँ पे देखो मैंने ये कितना ज्यादा ये बना रखा है, मतलब ये बड़ा सा सैंडस्टोन का, यू कैन यूज एनी ब्लॉक। और ये यहाँ पे है हमारा सोल सोई। अब हमें क्या करना है, वी नीड अ बूट और यहाँ पे हमें इसके ऊपर इंचेंटमेंट चाहिए लेवल 3 की सोल स्पीड। ओके तो हियर वी गो, मैंने यहाँ पे ले लिया सोल स्पीड 3। अब मैं इसको लगा लूंगा। अब व्हाट वी गॉट टू डू इज देखो इस पे मैं खड़ा हूंगा तो देखो मेरा पीओवी चेंज हो गया क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट हूं। अब देखो यहाँ से मैं भागूंगा तो मैं थोड़ी देर के लिए फास्ट था, देखा तुम लोगों ने, मैं थोड़ी देर के लिए फास्ट था बट स्लो। इस हैक का कुछ ऐसा है कि आपको एकदम एज पे ऐसा करके भागना है एंड उसके बाद आप पूरा जितने भी ब्लॉक भागोगे ना तेज भाग पाओगे। देखा तुम लोगों ने, मैं थोड़ा देर तेज भाग रहा हूँ तो आई थिंक ये हो सकता है। देखो एकदम कोने में भागा मैं बट स्टिल ये रुक गया। तुम लोग भी ट्राई करना एक बार ठीक है इसको एंड कमेंट में बताना क्या ये तुम्हारे लिए वर्क किया। ओके सो नेक्स्ट वन इज बहुत ज्यादा अमेजिंग वाला थिंग क्योंकि इसमें आप लोग विदर को बिना कुछ किए, लिटरली बिना कुछ किए मार सकते हो। हमें जाना है एंड या फिर तुम लोग किसी भी ऐसे जगह जा सकते हो जहाँ बेडरॉक मिले और वो ऊपर हो थोड़ा सा, तो ये बहुत हार्ड है ढूंढना, तो हम लोग एंड जाएंगे। Meanwhile, मैं ढूंढते ढूंढते आ गया अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में। अब मेरे को चाहिए आई ऑफ एंडर जिससे मैं अपना ये एक्टिवेट कर लूंगा। ओके कंप्लीटेड, चलो हम लोग एंडर ड्रैगन के पास चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ एंड पे और हमारा एंडर ड्रैगन देखो यहाँ बैठता है। अब हमें करना क्या है, मैंने एक ऑब्सीडियन ले लिया एक्स्ट्रा, मैं भूल गया था। ओके डोंट जज मी। ओके तो यहाँ पे ना देखो हम लोगों को पहले थोड़ा एरिया बना लेना है जहाँ पे हम लोग विदर को स्पॉन करेंगे और एकदम उल्टा विदर स्पॉन होगा इसमें। ओके देखना बहुत सरप्राइजिंग होगा वो। ओके तो एरिया बनाने के बाद आपको देखना ये वाला जो ये है ना ये एकदम इसके मिड में यहाँ पे ये लगा देना है आपको ऑब्सीडियन एंड देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐसे साइड वेज में लगाना है और विदर स्कल को ऐसे स्पॉन करना और ये इस तरीके से स्पॉन भी हो जाएगा। नाउ हम लोग बाहर चलते हैं। तो ये देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे हमारा विदर है, बस इसके फटने का इंतजार करते हैं हम लोग एंड ये भी फटने वाला है एंड डैंग ये देखो फट चुका है और ये खुद से डैमेज ले रहा है। तुम लोग डैमेज बाहर देखो, इसको डैमेज हो रहा है। और अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने सॉर्ड ले ली और जब हम लोग अंदर में बैठे रहेंगे सेफली और उस टाइम पे अंदर में बैठे बैठे हम लोग उसको हिट भी कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एंड दैट्स इट, दिस इज द लास्ट हिट, लेट्स गो। देखो मैंने मार दिया यहाँ पे, मेरे को उसका नेदर स्टार भी मिल गया। दिस वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू किल विदर। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा सबसे ज्यादा कमेंट में बताना, तीनों में से कौन सा बेस्ट था। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, फॉलो कर लो मेरे को वहां पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।